गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू शिक्षार्थ। और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में राजस्थान लैब असिस्टेंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जो कि एग्जाम हुआ था 3 फरवरी 2019 को। और एग्जाम आप लोगों ने दे दिया होगा और आई एम श्योर आंसर की भी मैच कर ली होगी, तो उस अकॉर्डिंग आप लोगों ने आपके मार्क्स इवेल्युएट कर लेंगे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो उस बेसिस पे आज हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। जैसे कि एग्जाम को काफी टाइम हो गया है, तो हम लोगों ने देख लिया है लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स अपियर हुए हैं, सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो गई है, इसीलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस करना काफी इजी हो गया। अगर हम वैकेंसी की बात करें, तो प्रीवियस टाइम जब ये एग्जाम हुआ था तो वैकेंसीज 1941 करीब 2000 की करीब वैकेंसीज थी, और इस बार जब 2018 में ये वैकेंसीज आई तो लगभग 1200 वैकेंसीज थी। मतलब वैकेंसी बहुत कम हुई है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है कट ऑफ पे वो वैकेंसीज का ही पड़ेगा। वैकेंसीज काफी कम हो गई है, दैट मीन्स की कट ऑफ हाई जाने की पूरी पूरी संभावना है। अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो इस एग्जाम में ये 300 मार्क्स का पूरा एग्जाम होता है, जिसमें कि हमें 150 क्वेश्चन होते हैं जिन्हें 3 आवर्स में करना होता है। दैट मीन्स कि टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टाइम काफी हमारे पास में होता है, तो ये भी एक वजह है कि आपकी कट ऑफ बढ़ जाती है। मिनिमम पासिंग मार्क्स हमें 40% चाहिए होते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के, लेकिन कट ऑफ इससे कहीं ज्यादा जाएगी। ओके, और अगर हम बात करें पेपर एनालिसिस में कि पेपर किस तरीके का था, तो यहाँ पर 2 सेक्शन होते हैं। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दैट मीन्स कि साइंस का एक सेक्शन होता है और एक सेक्शन होता है जीके का। जीके के आपको 50 क्वेश्चंस अपियर होंगे आपके एग्जाम में, जो कि 100 मार्क्स के थे। दैट मीन्स कि जीके भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है कट ऑफ पे। और जो दूसरा सेक्शन था साइंस का, उसके 3 सब सेक्शन थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी जूलॉजी और बॉटनी दोनों के क्वेश्चन हमें दिखे थे एग्जाम में। तो अगर हम बात करें पेपर के लेवल की, तो फिजिक्स का जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो मॉडरेट लेवल के थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, न्यूमेरिकल्स बहुत कम थे। न्यूमेरिकल्स अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, जब 2015 में वैकेंसी आई थी और जो एग्जाम हुआ था, तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आए थे और पेपर बहुत डिफिकल्ट था। लगभग पीएमटी लेवल का पेपर वो आया था और इजीली न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन में फॉर्मूला है और वैल्यू पुट करिए आंसर आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन इस बार काफी इजी पेपर था, न्यूमेरिकल्स बहुत कम थे, थ्योरेटिकल पार्ट काफी ज्यादा था। ओके, थ्योरेटिकल पार्ट काफी ज्यादा था, इस अकॉर्डिंग फिजिक्स का जो पोर्शन था वो मॉडरेट रहा। केमिस्ट्री की हम बात करें, तो केमिस्ट्री के भी इजी से मॉडरेट ही क्वेश्चन रहे, कुछ क्वेश्चन इजी थे और कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। क्योंकि थ्योरी अगर थोड़ी घुमा के भी हमसे पूछे तो हमें थोड़ा इजी लगता है, और न्यूमेरिकल्स में थोड़ी प्रॉब्लम होती है सभी को। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि भले ही न्यूमेरिकल्स नहीं हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, लेकिन एकदम ऐसे भी नहीं थे कि एकदम इजीएस्ट भी नहीं थे कि बस आपने देखा और कर दिया। थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, और एकदम कंफ्यूजिंग चीजें थी। लाइक अगर आपकी थोड़ी भी प्रिपरेशन कम है तो आपको लगेगा कि ये पढ़ा हुआ है, ये देखा हुआ, लेकिन आप एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो एकदम भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत ईजी पेपर था, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ईजी पेपर नहीं था। बट रिस्पेक्टिवली हम देखें कंपैरिजन करके प्रीवियस पेपर से, तो काफी इजी पेपर था, बाकी बहुत इजी पेपर नहीं था, ठीक पेपर था। अगर हम ओवरऑल पूरे पेपर को बात करें, जैसे कि बॉटनी और जूलॉजी के भी मॉडरेट लेवल ही रहा, एकदम इजी लेवल नहीं रहा, बिना पढ़े तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनके लिए बायोलॉजी डेफिनेटली स्लाइटली डिफिकल्ट ही रही है, क्योंकि उनके लिए सब कुछ नया होता है। 10th तक आप इतनी बायोलॉजी नहीं पढ़ते, 11th और 12th का इसमें पोर्शन आता है जो कि मैथ्स के स्टूडेंट्स को पूरा कवर करना था। तो इस अकॉर्डिंग पूरा पेपर मॉडरेट लेवल का आप कहेंगे एकदम इजी पेपर नहीं था, क्योंकि थ्योरी में भी कुछ चीजें थी जो कंफ्यूज कर रही थी, जो हम इजीली नहीं क्रैक कर सकते। और अगर हम बात करें राजस्थान जीके के पेपर की, तो ये डिफिकल्ट ही रहा है, एकदम इजी नहीं था, क्योंकि एक तो आप लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो ऑब्वियसली राजस्थान जीके पढ़ी नहीं होती है इतनी, और फिर साइंस का पोर्शन कवर करना, साथ में राजस्थान जीके का पोर्शन कवर करना, इतना इजी टास्क नहीं है। तो ओवरऑल हमने देखा पूरा पेपर मॉडरेट लेवल का रहा है। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी एक बार देख लेते, जैसे कि हमने देखा पिछली बार वैकेंसीज भी लगभग 2000 थी, और उसके अलावा पेपर भी डिफिकल्ट था। देन कट ऑफ गई थी जनरल की 122। ओके, हम नॉन टीएसपी एरिया की बात कर रहे हैं।
जनरल की कट ऑफ गई थी 122, फीमेल की 110 गई थी, और एससी और एसटी की कट ऑफ भी हमारे सामने है। एसटी की कट ऑफ 95 गई थी, एसटी की कट ऑफ 86 गई थी और ओबीसी की 115, काफी कम कट ऑफ गई थी। और आपको मैं ये बता दूं कि ये रिवाइज रिजल्ट की कट ऑफ है, ओके, इट मींस की कट ऑफ पहले स्लाइटली हाई थी और बाद में थोड़ी और कम हुई थी, तो ये पॉसिबिलिटीज अभी भी देखने को मिल सकती है। अगर जैसे कि आईटीसी का रिजल्ट आने वाला है, ओके, इसके अलावा भी कुछ वैकेंसीज है जिनके रिजल्ट आएंगे, और अगर कोई वैकेंसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईटीसी, कोई भी वैकेंसी जिसकी पोस्ट इससे बेटर हो लैब असिस्टेंट से, तो अगर किसी को वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो यहाँ पर सीट वैकेंट रहेगी, तो उस हिसाब से बाद में कट ऑफ स्लाइटली कम भी हो जाती है। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्स में भी, आरएसएसबी के एग्जाम में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि फर्स्ट टाइम कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, लेकिन बाद में जब सेकेंड लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट आती है तो कट ऑफ डाउन जाती है। अगर हम प्रीवियस ईयर नॉन टीएसपी की बात करें, टीएसपी एरिया की बात करें, तो ये हमारे सामने कट ऑफ है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे एकदम कंपैरिजन करने में इजी रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इस साल के कट ऑफ की, इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019 की क्या रह सकती है। जैसे कि हमने बताया, वैकेंसीज कम हुई है, पेपर का लेवल भी कम हुआ है, और इसके अलावा प्रिपरेशन भी लोगों की इस बार हाई रही है, क्योंकि टाइम बहुत मिल गया। अगस्त से एग्जाम होने वाला था, जो होते होते फैब में जाके हुआ, दैट मीन्स की प्रिपरेशन काफी अच्छी हो गई है, ओके। और अभी करेंटली एसएससी वगैरह के भी एग्जाम नहीं है, स्टे वगैरह लगा हुआ है, उस अकॉर्डिंग सभी लोग राजस्थान के जो कैंडिडेट्स है वो राजस्थान के पेपर्स पे ही फोकस कर रहे हैं, तो इस हिसाब से कंपटीशन भी स्लाइटली बढ़ा है। तो इन सारे फैक्टर से कट ऑफ भी हाई जाने वाली है प्रीवियस ईयर के हम कंपेयर करें तो। लेकिन हाई जाने वाली है डजन मीन कि ये 200 चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि आरएसएसबी का ट्रेंड रहा, इतनी ज्यादा कट ऑफ कभी भी नहीं जाती कि 200 या 180 कट ऑफ जाने की भावना नहीं है। कट ऑफ इससे थोड़ी कमी रहेगी। अगर हम बात करें जनरल कैंडिडेट्स की, तो कट ऑफ 160 के आसपास जाने की संभावना, जैसे हमने और लोगों के मार्क्स देखे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, उनका प्रीवियस एग्जाम्स में उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, उस अकॉर्डिंग देखें तो 160 के लगभग जनरल की कट ऑफ जा सकती है, ओके। ऐसे एकदम सटीक नहीं है कि 160 ही जाएगी, पर इसके लगभग, इससे थोड़ा 5 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर लगभग 160 अगर आपके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को एकदम सेफ स्कोर में मान के चलो कि हाँ, आपके होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज हैं, ओके। अगर फर्स्ट लिस्ट में थोड़ी स्लाइटली हाई जाती है, तो सेकेंड में कट ऑफ कम होकर 160 तक पहुंच जाएगी। अगर हम फीमेल की बात करें, तो जनरल फीमेल की कट ऑफ 150 तक जा सकती है, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पर एसटी जनरल की, तो एसटी की कट ऑफ 130 तक जा सकती है, बहुत ज्यादा हाई दी जाएगी। अगर आपको किसी किसी से सुनने को मिलता है कि एसटी की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ 150 से ज्यादा जाएगी, जनरल कट ऑफ 200 तक जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, इतनी ज्यादा भी कट ऑफ नहीं जाएगी। हालांकि फर्क पड़ेगा, पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एससी की अगर फीमेल की हम बात करें, तो 115 के लगभग जा सकती है, ओके। एसटी हम जनरल की बात करते हैं, तो 125 के लगभग हमें कट ऑफ देखने को मिल सकती है, और एसटी फीमेल में 115 के लगभग हमें कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ओबीसी की अगर हम बात करें, तो ये जनरल से थोड़ी कम रहेगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, करीब 5 नंबर लगभग हम मान सकते हैं, तो 155 के करीब ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है, और ओबीसी फीमेल में 145 तक कट ऑफ जाने की संभावना है। तो ये सारे एक्सपेक्टेड हमारे अनुमान है, आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फीमेल है, और आपके 115 नंबर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ, एकदम सेफ जोन में मान के चलिए, और एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका रिजल्ट में आपका रोल नंबर देखने को मिल सकता है। अगर हम ये थी नॉन टीएसपी की, ओके। अगर हम बात करें टीएसपी कैटेगरी की, टीएसपी एरिया में कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो जैसे कि टीएसपी की कट ऑफ पिछले साल और भी कम रही थी, उस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जनरल कट ऑफ 140 तक जा सकती है, ओके। 140 तक इसके लगभग ही रहेगी, इससे बहुत ज्यादा हाई जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और फीमेल की हम बात करें, तो जनरल फीमेल में 115 तक कट ऑफ देखने को हमें मिल सकती है। एससी और एसटी की हम बात करें, तो एससी में 130 तक कट ऑफ जा सकती है, एंड एसटी में लगभग आप कह सकते हैं 105 तक कट ऑफ जाने की संभावना है। तो ये सारे हमने डेटा, चलिए वैकेंसीज, उसके अलावा प्रिपरेशन कितनी रही है, पेपर कैसा हुआ है, नंबर ऑफ वैकेंसीज और पेपर का लेवल कैसा रहा है, और कोई फर्दर वैकेंसीज चल रही है इस टाइम या नहीं, उस अकॉर्डिंग हमने पूरा एनालिसिस करके आपको बताया है कि इतनी कट ऑफ रहने की संभावना है।
अगर आपके इससे थोड़े कम भी बन रहे हैं तो आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि आपका यहाँ पे 11th में सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फर्दर बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।